कैपिटल स्मार्ट सिटी की नई ट्रांसफर पॉलिसी क्या होगी? रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट में, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब, इसके अलावा डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब खान साहब ने साइट पे एक इवेंट किया था एज अ सेल्स पार्टनर, और सेल्स पार्टनर के साथ इवेंट में उन्होंने क्लाइंट्स का जो फीडबैक था वो लिया था, और उसके बाद कुछ पॉलिसीज जो सेल्स पार्टनर ने इंसिस्ट किया था, अगर ये पॉलिसीज होंगी तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ मार्केट इन हालात में है, अदरवाइज मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करना, कैंसिलेशन हो चुकी है उसके हवाले से, सरचार्जेस और बाकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उन तमाम बातों को स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया गया था। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट में जाय साहब के अप्रूवल के साथ, जो चेयरमैन है कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी के एंड चेयरमैन है एचएल ग्रुप के, उन्होंने वहाँ पे अप्रूवल दिया, और उसके बाद जो अभी ट्रांसफर पॉलिसी है उसका इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें कि ट्रांसफर पॉलिसी में क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पहले क्या पॉलिसी थी, फिर क्या पॉलिसी हुई, तो फिर बीच में शिफ्ट आया था, उसकी वजह से ट्रांसफर स्मार्ट की साइड पर नियर टू इम्पॉसिबल हो गया था प्लॉट्स को ट्रांसफर करवाना। अब इस पॉलिसी के मुताबिक मेम्बर्स के लिए जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद फिर आगे नंबर्स बड़ा करना चाहें तो डेवलप प्लॉट ले लें, तो उन इन्वेस्टमेंट्स पर जो रिस्ट्रिक्शन हो गई थी उसके लिहाज से ट्रांसफर पॉलिसी को रिवाइज किया गया है, और दोबारा 2020 और 2021 की जो पॉलिसी है उसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अगर हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले 2023 और 2024 के लिए अलग अलग पॉलिसी कंपनी ने लॉन्च की है। अगर मैं सबसे स्टार्ट से बात करूं, सबसे पहले अगर किसी मेंबर के पास 2017 का प्लॉट है और उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं 2023 में, तो उनको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट ट्रांसफर करने की इजाजत है, यानी कि तमाम के तमाम ड्यूज क्लियर हो तो प्लॉट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वही प्लॉट 2017 का ट्रांसफर करते हैं अगले साल, तब भी उनको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट ट्रांसफर होगा। 2018 के जो एक्टिव प्लॉट्स हैं, जो कैंसिल प्लॉट है उनकी बात नहीं कर रहा, एक्टिव प्लॉट्स की अगर बात करूं तो जो ट्रांसफर पॉलिसी है 2023 में 2018 वाले प्लॉट्स की, वो बनती है 65% पेमेंट पे आप 2023 में वो प्लॉट ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये 31 मार्च ऑनवर्ड ये पॉलिसी जो है ये ऑपरेशनल है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं 5 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी कि 5 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये पॉलिसी इफेक्टिव है। अगर हम बात करें 2018 के प्लॉट की, इस साल 65% पर ट्रांसफर है, अगले साल बात करें तो 85% पर ट्रांसफर कर सकते हैं आप 2018 वाला प्लॉट, एक्टिव फाइल हो बट एक्टिव फाइल आप जैसे बात उसको कर सकते हैं। ये बैलेटेड में प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा, बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक ऑल ड्यूज क्लियर या जितनी अमाउंट पे हो चुकी है उस लिहाज से ट्रांसफर होंगे। अगर हम बात करें एक्टिव प्लॉट्स की, बैलेटेड जो एक्टिव प्लॉट्स हैं 2019 के, उनमें ट्रांसफर जो है 2019 के प्लॉट की इस साल करवाते हैं तो 50% पे, और अगले साल अगर ट्रांसफर करवाते हैं तो मिनिमम 65% प्लॉट की प्राइस पेड हो तो आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। 2020 की जो एक्टिव फाइल है उसको इस साल 20% प्लस 3/4 पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, और अगले साल जो मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट है दैट इज़ 50%। अगर हम 2021 के प्लॉट्स की बात करें तो इस साल उसको अगर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो 20% प्लस 2/4, यानी कि अगर 21 में किसी ने प्लॉट बुक किया था 20% प्लस 2/4 पर ट्रांसफर करवाना चाहें तो ट्रांसफर करवा सकते हैं, और अगले साल उसकी ट्रांसफर की जो पॉलिसी होगी वो 20% प्लस 3/4 की ट्रांसफर पॉलिसी होगी। ये 2024 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक ये पॉलिसी है, 31 दिसंबर 2024 तक। अगर हम बात करें 2022 के प्लॉट्स की, तो उसकी पॉलिसी जो बनती है, अगर आप 2022 के प्लॉट इस साल ट्रांसफर करवाते हैं तो वो 20% पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अगले साल जो ट्रांसफर होंगे वो 20% प्लस 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि ये पॉलिसी जो है, अगर 31/12/2022 से नॉन कैंसल्ड कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 31/12/2000 पहले से तो कोई मतलब लास्ट ईयर 2022 के एंड 31 दिसंबर तक जो प्लॉट से कैंसिल प्लॉट, मिनिमम जो उन पर ट्रांसफर आपको रिक्वायर्ड होगी 60% पर रिक्वायर्ड होगी, और अगले साल वही प्लॉट आप ट्रांसफर करवाते हैं कमर्शियल तो 75% पर ट्रांसफर होगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ अगर, तो यहाँ पे ओवरसीज ईस्ट के जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं, ओवरसीज ईस्ट के जो बाकी चार्जेज हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं है, ओवरसीज ईस्ट हार्मी पार्क ब्लॉक के लिए पॉलिसी है। ओवरसीज ईस्ट में चूंकि 2018 में लॉन्च हुआ था, 2023 आ गया है, अगले 2024 है, तो 3 साल का प्लान को ऑलरेडी 5 साल गुजर चुके हैं, 6ठा साल शुरू है, तो इसको सोसाइटी ने इसमें फैसिलिटेट नहीं किया। वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो प्लॉट ट्रांसफर करवाते हैं, जिनके पास बैलेटेड पोजेशनेबल प्लॉट हैं तो वो प्लॉट जो है वो ऑल ड्यूज क्लियर पर ट्रांसफर होंगे, और डेवलपमेंट चार्जेस उन पर हैं वो उसी तरह से एप्लीकेबल रहेंगे, वो डेवलपमेंट चार्जेस पोस्टपोन भी नहीं किए गए। डेवलपमेंट चार्जेस पोस्टपोन हुए हैं वो ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज प्राइम वन, इसके अलावा हार्मी पार्क ओवरसीज सेंट्रल, ओवरसीज हार्मी पार्क, ओवरसीज ईस्ट और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के पोस्टपोन हुए हैं, और बाकी सरचार्जेस भी इन्हीं ब्लॉक्स के जो है वेव ऑफ हुए हैं
ओवरसीजीज को इसमें एग्जेम्प्टेड किया गया है, उसमें नहीं रखा गया क्योंकि ओवरसीजीज के मोस्टली क्लाइंट्स के जो पेमेंट प्लान है वो या तो कंप्लीट हो चुके हैं या बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक हैं, तो इस पॉलिसी में वो फॉल नहीं करता। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट ट्रेडिंग या लाहौर स्मार्ट ट्रेडिंग में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।